सुना देता हूं। दो बंदों ने आपस में कर्जे का लेन देन किया। एक ने कहा, मैं आपको कर्जा दे रहा हूं, गवाह है आपके पास? उसने कहा, कफा बिल्लाही शहीदा, मेरा अल्लाह गवाह है। ठीक है, कहा जनाब अगर आप कर्जा ले लें फिर इस कर्जे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कि आप नहीं देंगे तो आपकी जगह पे फलां शख्स कर्जा देगा, ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कहा, कफा बिल्लाही वकीला, मेरा जामिन मेरा अल्लाह है। उनका बस बात खत्म हो गई, गवाही भी अल्लाह की हो गई, जमानत भी अल्लाह की हो गई। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे ने कर्ज लिया, वो चला गया दरिया के पार। जब मुअय्यना मुद्दत आई, उस बंदे ने वापस देने के लिए जब दरिया के किनारे पे आया, कश्ती मिली कोई नहीं। बड़ी कोशिश की, उसने कहा अगर मैंने वापस ना किया तो मामला ख़राब हो सकता है। लकड़ी को उठाया, उसमें सुराख किया, 1000 दीनार उसके अंदर डाले, डाल के ऊपर से उसने लकड़ी का मुंह बंद कर दिया और कहा, मालिक गवाह भी तुझे बनाया था और जामिन भी तुझे बनाया था, ये मैं मौला दरिया के अंदर सवारी ना मिलने की वजह से ये हीला मैं करते हुए मौला पैसे इसमें रख रहा हूँ, इसको तू उस बंदे तक पहुँचा दे। हुजूर सरवरे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दरिया के अंदर वो लकड़ी तैरती तैरती दूसरे किनारे पर गई जिससे कर्ज लिया था। वो लकड़ियों की तलाश में दरिया के किनारे आया, उसको वो लकड़ी नज़र आई, उसने कहा चलो कर्जा देने वाला नहीं आया तो ना सही, ये लकड़ी आ गई, आग तो जलाएंगे। वो लकड़ी उठाई, जब घर जाके उसको तोड़ा, उसके अंदर से उसका कर्जा निकाला, अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतनी देर में जिसने कर्जा देना था उसको सवारी भी मिल गई, उसने 1000 दीनार और लिया, सवारी पे चढ़ा कि मुमकिन है उसको ना मिला हो, 1000 दीनार और लेके वो दोबारा उधर चल पड़ा। ईमान से बताओ, आज कोई कर्जा ले ले तो इस तरह देता है? हाँ जी, कर्जा एक दफा ले लो फिर शक्ल ही देखने से गया बंदा। जिसने अपनी दोस्ती यारी खराब करनी हो ना, वो दूसरे को कर्जा दे दे, बस दोस्ती यारी हो गई खत्म। अल्लाह अकबर। खैर, जब वो लेके वहां पे पहुंचा, अल्लाह को जामिन बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह ने दोनों की हाजत को पूरा किया। वो लेके वहां पे पहुंचा, आज कल का कोई बंदा होता ना जी, तो जब वो दूसरे पैसे लेके आया ना जी, कहता है जनाब ये मैं पैसे लेके आया हूँ, मैंने ये काम पहले किया था, पता नहीं आपको पैसे मिले कि नहीं मिले, ये आप पैसे कबूल कर लें। आजकल का होता था ठीक है आन जवान तो बिस्मिल्लाह, लेकिन नहीं जनाब, अल्लाह की ज़ात ने मुझे आपके भेजे हुए पैसे पहले ही पहुँचा दिए। ये करामत बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी सोने नबी बयान कर रहे हैं। और लिखी कहाँ पे हुई है? बुखारी शरीफ के अंदर, किताबुल किफाला के अंदर, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 306।